श्रीकाल जी, आज हमारे पास आई है गाड़ी काशीपुर से। ये गाड़ी है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2016 मॉडल है, बट इसकी बहुत ज़्यादा डलनेस है। गाड़ी एकदम पीली हो रखी है। ये कुछ हमारे पास इस हिसाब से आई है। इस पर ऐसे देखिए निशान है ये जो, और गाड़ी के अंदर डलनेस अगर ये देखें, अंदर पूरा निशान पीली है, बिल्कुल पीली है गाड़ी। अभी इसको वॉश करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आओ कस्टमर। हेलो ब्रदर, ये मेरे पुराने कस्टमर हैं, इन्होंने अपने फ्रेंड को रेकमेंड किया है, राइट? आपने कितने टाइम पहले काम कराया था हमसे सर? 2016 में आपसे अपनी वेंटो कराई थी। हाँ, गाड़ी जैसे मैंने कराई थी उस वक्त आज भी ऐसी है। हाँ, हाई ग्लॉस गाड़ी के अंदर है। हाँ जी, शाइनिंग करती गाड़ी आज भी। हाँ जी, और आपने ब्रदर को रेकमेंड किया, इन्होंने तब हम करते थे 32 वैक्स प्रो, आज हम कर रहे हैं 32 वैक्स प्रो प्लस। और ब्रदर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे होएगा काम? मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी जो मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हाँ जी, और जब मेरे फ्रेंड ने बताया तो मैंने, ठीक है दिल्ली हम एक दिन पहले इसलिए आए, हाँ जी, गाड़ी करानी है। हाँ जी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी हो जाए। जैसे सर बता रहे स्पेशल आए, सर कितना किलोमीटर होगा काशीपुर हमारे यहाँ? 230 किलोमीटर है। 230 किलोमीटर से स्पेशल आए हैं। अब करने के बाद आपको एक वीडियो बना के दिखाते हैं। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है जो मुझे इनको बताया है, दैट इज ये निर्मा वगैरह से शैम्पू कर रहे हैं, उससे आपने नहीं करना है। गाड़ी आगे से ध्यान रखेंगे तो इनका भी सही एक्सपीरियंस होने के बाद लेते हैं। अब ये कार का वॉशिंग प्रोसेस चालू है, अब इसको शैम्पू करेंगे। कहते हैं कि जी फोम वॉश करो, ये वो है। गाड़ी पर निर्मा साबुन वगैरह मत यूज़ करो। ये देखें शैम्पू लगा के फिर इसकी गाड़ी में देखो कितनी मिट्टी है। हाँ जी, ये देखें पूरा शैम्पू जब हो जाएगा इसके सारे कंटामिनेशन गायब हो जाएंगे। शैम्पू होने के बाद हम थोड़ा इसको सूखने देते हैं, फिर इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको फर्दर दिखाते हैं अंदर प्लस का कैसा सिस्टम होता है। गाड़ी वॉश हो चुकी है, आ चुकी है, ये देखो कितना डल है पेंट, कोई चमक नहीं है। हमने पूरा इसको राउंड मार के देख रहे हैं। और ये रीपेंटेड है, जो ओरिजिनल पेंटेड था वो हमेशा ज्यादा चमकता है, जो रीपेंटेड है जैसे बोले हमने कंपनी से कराया, बट वो रीपेंटेड इज रीपेंटेड। तो ये गाड़ी हो रही है, आप देख रहे हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट इंटरनल होना चाहिए गाड़ी कोटिंग कराने से पहले, ताकि गाड़ी में मिट्टी या पार्टिकल ना आए। लोग क्या करते हैं, बाहर मेन रोड पे गाड़ी कोटिंग कराते हैं, कुछ भी बोल के टेफ्लॉन कोटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि जब वो कोट चला रहे हैं, ब्रश चलता है सर्कुलर फॉर्म में, बड़ी स्पीड पे रहती है, 2000 आरपीएम 3000 राउंड्स पर मिनट पे वो जब चलता है पैड, तो मिट्टी आके गाड़ी के बोनेट पे बैठ जाती है। तो जब वो मिट्टी सर्कुलर फॉर्म में, वो गाड़ी का पेड़ डैमेज कर सकती है और उसमें स्वेल मार्क्स आ जाते हैं। दूसरा, कैसा पैड यूज हो रहा है आप खुद चेक करें कि कौन सा वो पैड। हर कोट के लिए अलग अलग पैड होते हैं, कहीं वूल पैड की जरूरत होती है, कहीं फोम पैड की जरूरत होती है, तो लोग वूल पैड से सारी कोटिंग कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। हमने पहले भी वीडियोज डाली, एक बलेनो की डाली थी, जिन्होंने खुद बोला कि मैं फलानी जगह से कोटिंग करा के आया और उसके अंदर मेरे रबिंग पॉलिश कर दी और तो सारा पेंट खराब हो गया। बलेनो की वीडियो आप जरूर चेक करना, हमारे नीचे लिंक या डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, उनका लिंक भी डाल देंगे। और अभी जब ये कोटिंग होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा क्या क्या प्रोसेस में फ़र्क आया है। थैंक यू। ये हम अभी क्लेइंग कर रहे हैं और इसकी सैंडिंग करी है, तो ये कितना जो देख रहे हैं आप, ये जंग गाड़ी के अंदर से निकल रहा है। ये देखें, ये गाड़ी के ऊपर मैल चिपकी हुई है, अभी हम इसको दोबारा वॉश करेंगे सब क्लीन करने के बाद। ये पूरी गाड़ी के अंदर ऐसे जो मिट्टी के गड्ढे भर जाते हैं वो सारी वो मैल है। ये करने के बाद हम दोबारा इसको वॉश करते हैं। ये वही गाड़ी है जो आप चल रही थी, इसके अंदर अभी तक इसके अंदर हमने कोई भी चमक नहीं दी, अभी हमने सिर्फ पेंट को करेक्ट किया है, ये जो आप देख रहे हैं। और इसका बेसिक जो है प्रोसेस शुरू हो गया नैनो कोटिंग का, जिसके अंदर प्रोटेक्शन लेवल शुरू हो चुका है, जो गाड़ी का पीलापन था कराची से सब गायब हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, चमक अभी तक हमने दी नहीं है, होने के बाद आपको दिखाते हैं प्रोसेस में कैसे होते हैं। ये जो गाड़ी है आपको दिखाई थी, इसका 32 एक्सप्रो प्लस हो चुका है, गाड़ी के अंदर जितनी भी डलनेस थी सब गायब हो चुकी है। कस्टमर कहते हैं कि हमने इसको ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ था, क्योंकि 2016 मॉडल है तो इतनी पीली होनी नहीं चाहिए, बट जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ी होती थी तो सारी थी। ये देखिए इसकी हेडलाइट, मेरे को जब ये आए थे कहते हैं मेरे को हेडलाइट बदलवानी सरदार जी, जगह बता दो, मैं कहा होने के बाद बात करेंगे। अब देखो क्या मस्त चमक रही है।
और सबको एक बताना चाहूंगा कि जब गाड़ी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ी करें जहां दाएं बाएं पॉलिश या पेंट का काम हो रहा हो तो दूर कर लो गाड़ी को। ये देखो अंदर जो थी मैल वगैरह सब गायब हो चुकी है, यहाँ पे लाइन्स थी वो भी सारी गायब है, इधर एक लाइन थी इधर लाइन थी ऊपर थी वो सब गायब हो चुका है, बाहर हो गया अंधेरा इसलिए वीडियो को अंदर बना रहे हैं। आओ कस्टमर एक फीडबैक खुद देते हैं, बताते हैं कि कितना फर्क है गाड़ी का। हाँ जी ब्रदर, आपको पहले हमने एक फीडबैक लिया था करने से पहले, आप सबको अपना नाम बताओ और खुद बताओ कितनी दूर से आए हो, क्या गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी और अब कैसे आपका सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम आसिफ रजा है और मैं उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। हाँ जी, और मेरे को लगा कि आज जो मैं गाड़ी कराने जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि वहां पर कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ चेंजेस हैं। और मैं अभी आपने बताया कि आप हेडलाइट चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरे मन से पूरी ये बात निकल चुकी है कि मैं अब हेडलाइट नहीं बदलूंगा। और मेरी गाड़ी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज गाड़ी दोबारा, जब मैंने 2016 में ली थी तो आज दोबारा से ऐसी लग रही है पहली बार। हाँ जी, आपका जैसे आपने बताया कंस्ट्रक्शन का काम है, सारी इसके ऊपर जो क्लियर वगैरह चिपका हुआ था, अब वो जो रफनेस थी गाड़ी के ऊपर वो दिख रही है आपको सॉफ्ट वगैरह? बिल्कुल नहीं दिख रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो काम किया है, मेरे को अभी ऐसा उम्मीद नहीं है कि कहीं काम हो रहा होगा, तो मैं आगे भी चाहूंगा कि मेरे जो भी फ्रेंड लोग होंगे तो उन लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको फीलिंग आएगी कि एक नई गाड़ी दोबारा से आपने ले ली। और ब्रदर जैसे हमने आपको पूरा डिटेल एक्सपीरियंस बताया कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, एक वो आप लोगों को क्या शेयर करना चाहोगे कि कैसे आपको समझा रहे थे हम लोग ये हो रहा है? ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब से हम यहाँ पर लगभग 3 घंटे हम लोगों ने आपके यहाँ काम करवाया, हमें एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग 3 घंटे यहाँ हो गए। आपकी जो बातें हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक सोशल भी हो, तो मुझे आपकी बातों से प्लस आपने जो काम किया उसके बारे में आप ब्रीफ में हम लोगों को लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से काम होता है और क्या तरीका आपका काम करने का, मेरे को बहुत पसंद आया। थैंक यू ब्रदर। और ये मेरे पुराने कस्टमर हैं, फ्रेंड हैं, भाई हैं, आपने इनको पहले भी देखा होगा, इनकी वेंटो की हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। सर एक बार सबको दोबारा इंट्रोड्यूस करो, सबको अपना नाम बताएं। देखिए मेरा नाम सलमान है। हाँ जी, सच्चाई सामने है, गाड़ी हाँ? सामने है, गाड़ी बहुत ज्यादा शाइनिंग कर रही है। हाँ जी, गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा हाई ग्लोस आ चुका है। हाँ जी, मेरा रिफेक्ट है गाड़ी के अंदर और एक नंबर काम है आपका। सर आपका जैसे हम पहले आपने बताया था, जैसे हमने काम पहले देखा है आपको उससे भी बेटर लगा है? उससे बेटर काम है। हाँ जी, आपने जो है थोड़ा जो तकनीक चेंज कर दी है। हाँ, 32 एक्स प्लस नई टेक्निक ले आए हैं। और सर जो आपकी 16 में हमने गाड़ी कराई थी, लोगों को आपने अभी पहले बताया कि वो आज भी वैसी की वैसी है, सेम वैसी है। ठीक है, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सलमान सर गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं, इन्होंने गाड़ी पे अपना बेसिक मेंटेनेंस जैसे हमने उनको समझाया था वैसे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये उनके लिए मैसेज है जो कहते हैं कि ये कितनी देर चलेगी क्या चलेगी, ये इनके ऊपर है, अभी भी कह रहे हैं कि मेरे 3 साल प्लस हो चुके गाड़ी चल रहे हैं। और ब्रदर आपको कैसा लगा? एक नंबर काम है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब ये गाड़ी आपके सामने है, पूरा इसका जो सेटिस्फेक्शन थी कस्टमर आपने देखा वीडियो में बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया होगी गाड़ी। मैं सबको बताना चाहता हूँ जो मेरे से पूछते हैं व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज इन योर हैंड, आप बेसिक गाड़ी को मेंटेन करो। कई कई लोग होते हैं जो काम करा जाते हैं कपड़ा भी नहीं मारते, और हम लोग बेसिक एक रिकमेंड करते हैं कि कभी कभी आप गाड़ी में पॉलिश वगैरह लगा दो, उससे कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी का। बट आप जैसे इसका टेक केयर करेंगे ये वैसे चलती रहती है बहुत लंबे लंबे समय तक। अब वो कह रहे 2016 में काम कराया था, मैंने उनको नहीं बोला, खुद अपने आप बता रहे हैं, और आज 2020 हो गई, ऑलमोस्ट लेट से 3-3.5 साल हो गए गाड़ी को करवे, बट वो वैसी की वैसी ही है। तो ये आपके